दोस्तों, सर्दियां चालू होते ही पराठों का मौसम चालू हो गया है। पराठों के लिए आज हम बना रहे हैं, आज मेरे किचन में बन रहा है आलू का। एक तो आलू का पराठा बना रहे हैं हम, और एक बनाएंगे हम खाखरे का पराठा। तो खाखरा एक तरह से पापड़ होता है, तो उसके लिए बनाएंगे। खाखरा एक गुजराती डिश है, तो उसका हम पराठा बनाएंगे। अभी तो हम आलू का बना रहे हैं, उसके बाद हम उसका पराठा बनाएंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, ये है खाखरे का मिक्स। इसमें मैंने थोड़ा सा आलू मिला दिया है, जिससे इसके लड्डू बन जाए। अब इसको हम पराठे में भरेंगे। ये देखिए, इसमें खाखरा आपको पता चल रहा होगा, ये रहा। तो मैं इसको भरती हूँ आटे में, लोई में। इसको रख देते हैं यहाँ, और हम लोई निकाल लेते हैं। आलू का पराठा एक तवे पे रखा है, और एक खाखरे का पराठा आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मिक्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम ऐसे भरेंगे, और इसको चारों तरफ से ऐसे उठा उठा करके हम इसको सील कर देंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ से घुमा घुमा करके हमने सील कर दिया है। अभी हम इसको ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने से हमारा मसाला जो है वो चारों तरफ इवनली डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको ऐसे करने के बाद में इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं घुमा घुमा कर, तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा मसाला चारों तरफ। और हम इसको पहले आलू वाला पराठा निकाल लेते हैं, फिर इसको बेल लेते हैं। ये मैं घी में बना रही हूँ, शुद्ध घी में, जो मैंने अपने घर में बनाया है घी, उसी से मैं ये पराठे बना रही हूँ। तो आप इसको तेल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। और मैंने इसको घी में बनाया है, क्योंकि सर्दियाँ चालू हो गई हैं, तो सर्दियों में खुश्की होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, स्किन खुश्क हो जाती है, तो थोड़ी चिकनाई चाहिए होती है। तो सर्दी में ठंड भी लगती है, तो गर्म गर्म पराठे खाने से आपकी सर्दी थोड़ी तुरंत भाग जाएगी, ठीक ना। अब आप ये देखिए, ये मेरा आलू का पराठा तैयार हो गया है। इतने में ये पराठा बेल लेती हूँ। इसको धीरे धीरे हाथ से मैं चारों तरफ से बेल लूंगी। वैसे तो ये मसाला निकलेगा नहीं, क्योंकि गीला है, आलू की वजह से ये थोड़ा सॉगी हो गया है, गीला हो गया है, तो वो नहीं निकलेगा। फिर भी हम इसको थोड़ा धीरे धीरे ही गिलेंगे, जिससे कि ये ऊपर की तरफ ना आए। और अगर आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा पराठे को क्रिस्पी ही करेगा। ये देखिए, ये मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से। अब हम इसको, ये आलू का पराठा हटा करके तवे से हम अब इसको डाल देते हैं। ये देखिए, ऐसे ये डाल दिया है। और एक दूसरा पराठा मैं तैयार कर लेती हूँ, दूसरी मैं स्टफिंग डाल कर लेती हूँ। ये देखिए, स्टफिंग मैंने भर ली है। ये मेरा मिक्स आटा है, प्योर गेहूं का नहीं है। इसमें मैंने 4-5-6 तरह के आटे मिक्स किए हुए हैं, जो सर्दियों में काफ़ी लाभकारी होता है। और वैसे भी आजकल सब तरह तरह के आटे अलग अलग से खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही उसमें मिला लूँ, जिससे पराठा भी आपका हेल्दी बन जाएगा और आपकी स्किन को वो सब चीज़ें मिलेंगी जो इन आटों में होती हैं। तो ये देखिए, ये पराठा एक तरफ से सीख गया है, हम इसको मैं ये बेल लेती हूँ, तो दूसरी तरफ से सीखेगा। सर्दियां हैं तो आप तरह तरह के पराठे बनाकर तो आप खाते ही होंगे, मूली का पराठा, गाजर का पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, सत्तू का पराठा, ये सब चीज़ें तो हम खाते ही हैं। आज हम ये नया पराठा बना रहे हैं, और हाँ, कोशिश करेंगे हम कि हम पापड़ का भी पराठा बनाएं। ये हम बना रहे हैं इसका, खाखरे वाला पराठा। तो खाखरे का पराठा बनाने के बाद में ये देखिए, इसको हम लाल चटनी के साथ में, और मिक्स
वेजिटेबल सैलेड के साथ में सर्व करेंगे। रायता और हरी चटनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको इन्हीं दो चीज़ों के साथ सर्व करूँगी। तो ये देखिए, ये पराठा मेरा तैयार है। देखिए कैसे फूल रहा है, ये सारे पराठे फूल जाएंगे। देखिए बिल्कुल फूल गया है। ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और फटाफट से मैं खाना पैक कर लेती हूँ। देखिए मैं खाना पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो मैंने खाखरे के पराठे बनाए हैं वो लेकर जाना है। दो पराठे खाखरे के, लाल चटनी, आपको बताया था मैंने कि मैंने लाल चटनी भी ले जानी है। किसके साथ मैं सर्व करूँगी, इसमें मैं रख रही हूँ ये थोड़ी सी, ये लाल चटनी है। सिर्फ इतनी सी लाल चटनी रख लेंगे, क्योंकि मसाला तो पराठे में भी है, तो लाल चटनी रख के इसको करते हैं पैक। इसको रखते हैं डिब्बे को इसके लंच के अंदर और कर लेते हैं सैलेड पैक। आपको मैंने बताया था कि मैं सैलेड जो मिक्स वेजेस का सैलेड है वो मैंने बनाया हुआ है, वही ले जाने के लिए, तो उसको मैं पैक कर लेती हूँ। ये देखिए मिक्स वेजेस का सैलेड है, इसको मैं पैक कर लेती हूँ। इसमें मैंने पपाया डाला है, कुकुम्बर डाला है, कैरेट है, कैबेज है, टोमेटो है और चिलीज हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ही ले जाती हूँ, ये काफ़ी हल्का है और खाने में भी टेस्टी है, तो मैं इसको पैक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हो गया मेरा सैलेड भी पैक। बस अब मुझे दुपट्टा लेना है और स्कूल के लिए निकलना है, मेरा काम हो गया है। देखिए मेरा लंच पैक है, आप एक बार देख लीजिए कि मैं आज लंच में क्या क्या लेकर के जा रही हूँ। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसा लंच बनाएं, पैक करें और लेकर जाएं। सर्दियों में तो गर्म गर्म पराठे सभी को अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए सैलेड हो गया है, ये चटनी और पराठे हो गए हैं। अब मैं फटाफट से इनको लंच में पैक कर लेती हूँ और फिर स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी बनानी है ना, इसीलिए। चलिए गाइज, एक नए वीडियो में है, एक नए चीज़ के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।